जी मैं फिलहाल वहाँ पे कंप्यूट कर रही हूँ। मैंने आपको कहा इंजरी हुई, मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हुआ। इट मीन्स दिस इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जो आपने हर्ष मोहन के अंदर लिख दिए। अब जी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेमेशन एंड द इन्फेक्शन। अच्छा, मैंने आपको कहा इन्फ्लेमेशन, मुझे नाम से पता चला दिस इज प्रोटेक्टिव, दिस इज अ डिफेंस रिएक्शन। जबकि मेरे पास इन्फेक्शन क्या है, दिस इज इल इफेक्ट। ऑपोजिट है ना दोनों, इन्फेक्शन एक इल इफेक्ट है, इन्फ्लेमेशन मेरे पास एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। मुझे जब इन्फेक्शन होगा तभी इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि मेरी बॉडी मुझे इन्फेक्शन से बचाना चाह रही है। ठीक है, अब ये यही चीज आपके इधर ऑथर ने मेंशन कर दी कि अब इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन होगा ये भी किसी इन्वेजन की वजह से, किसी अटैक की वजह से होगा, किसी माइक्रोब की वजह से होगा, बट दिस इज एन इल इफेक्ट। इसके कंपैरेटिव में आपके पास इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट, इसके अंदर भी रिपेयर का प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। क्लियर, मेरे पास इन्फ्लेमेशन के दो बेसिक प्रोसेसेस हैं जो कि ओवरलैप करते हैं, जो ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं, क्योंकि मेरी बॉडी डिफेंस की तरफ जा रही है। एक तरफ मुझे एजेंट, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैं उसे एजेंट को रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ, तो रिपेयर भी हो रही है, वो अटैक भी कर रहे हैं, तो सारे मैकेनिज्म ओवरलैप करेंगे। तो भी फर्स्ट ये होगा, मैंने कहा कि जी मेरी बॉडी में जैसे ही इन्फ्लेमेशन हुई, इंजरी हुई, मेरे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, सेल्स जो थे मेरे सिस्टमिक सर्कुलेशन से निकले, साइट ऑफ इंजरी की तरफ गए। ठीक है, ये मेरे पास अर्ली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है आपके पास इन्फ्लेमेशन का, दैट इज द अर्ली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। जो दूसरा स्टेप है, दैट इज अ लेटर स्टेप, दैट इज द हीलिंग। हीलिंग रिपेयर ही है ना। तो मैं आपसे पूछूं, आपके पास दो मेन प्रोसेसेस कौन से इन्फ्लेमेशन के आपको हो गए, अर्ली इन्फ्लेमेशन, सेकंड वन इज द हीलिंग। अच्छा जी, अब आपके पास जी ये आ गया। अब आपको ऑथर ने कहते हैं, अक्सर लोग समझते हैं कि जी इन्फ्लेमेशन हार्मफुल है, इन्फ्लेमेशन हार्मफुल नहीं है। मैं आपको अभी बताया कि मेरे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, मेरी बॉडी को उसने सारे सेल्स मेरे रिक्रूट हो गए इन्फेक्शन साइड पे, इंजूरियस जहाँ पे इंजरी थी उस साइड पे रिक्रूट हो गए, तो ये तो डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। अच्छा, लेकिन आप जी ये इसमें कह रहे हैं कि बाज ऑफ इन्फ्लेमेशन आपको हार्म की तरफ भी ले जाती है। ठीक है, बाज ऑफ आपके अंदर ऑटो, आपके पास ऑटो इम्यून डिजीजेज भी आ जाती है, आपके पास एनाफाइलेक्सिस आ जाते हैं। ये टर्म्स हैं जो आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ी है, लेकिन दोबारा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा जी, इट इज कंसिडर्ड हार्मफुल एज वेल। मैंने कह दिया जी दिस इज डिफेंस मैकेनिज्म, लेकिन एग्जैजरेटेड लेवल पे क्या, और नाउ दिस इज हार्मफुल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स जो आपके हर्ष मोहन के अंदर है, जैसे कि एनाफाइलेक्सिस में हो गया, एनाफाइलेक्सिस कब हुई, जब आपको किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, किसी ड्रग की वजह से होगी, किसी टॉक्सिन की वजह से होगी, जब ऐसे सुना ना शहद की मक्खी ने बाइट कर लिया पेशेंट को, जी एक बस उसकी हालत बिगड़ जाती है, पेशेंट कहते हैं इसको क्या हो गया, ये एनाफाइलेक्सिस की तरफ चला गया। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस के इसको डिस्कस करते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस में ऐसा हो जाएगा, रूमेटॉइड क्रोनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस आइटिस, जहाँ भी वर्ड आता है ना आइटिस आई टी आई एस, ये इन्फ्लेमेशन का इशू सेट करता है, क्रोनिक आर्थराइटिस में हो जाएगा, फिर फाइब्रस बैंड और एडहेशन इन दी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। मेरी इंटेस्टाइन की किसी किस्म की कोई सर्जरी हुई, इंटेस्टाइनल इंजरी हुई, तो मेरी इंटेस्टाइनल रिपेयर करने की कोशिश की, तो उसे नीचे में कुछ बैंड्स बनेंगे, उसको अभी डेफिनेशन को देखते हैं, उनको मैंने कह दी फाइब्रस बैंड्स। ठीक है, तो ये वो रिएक्शंस थे जो कि हार्मफुल हैं, जिससे आपके पेशेंट को सफर करना पड़ता है। आप लोगों ने फिजियोलॉजी में एनाफाइलेक्सिस का वर्ड सुने। अच्छा, अभी फिलहाल एक जनरल डेफिनेशन देख लो, अभी इसको मोर प्रिसाइज डेफिनेशन पैथोलॉजी में इसके अंदर जाएंगे। एनाफिलेक्सिस को फिलहाल इस स्टेज में आप समझ लो, दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन, जिससे आपकी जान को खतरा। अब इसमें होता क्या है कि भाई आपकी बॉडी से केमिकल्स मीडिएटर्स रिलीज होना शुरू हो गए, आपका पेशेंट कैन बी टूवर्ड्स दी, आपके पेशेंट को शॉक हो सकता है। शॉक की कंडीशन आपको पता है क्या है, कि जिसके अंदर ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, ब्लड आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाता है, ब्रेन की तरफ आपकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। ठीक है, एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है एनाफाइलेक्सिस के अंदर। इसके अलावा जी ब्रीदिंग, सारे एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन ब्रीदिंग होगी, ब्रीदिंग हॉल्ट हो जाएगी। ठीक है, देयर विल बी द रैपिड और द वीक पल्स हो जाएगी, स्किन रैशेस डेवलप हो जाएंगे, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी।
पहले मैंने वर्ड यूज कर लिया एनाफिलैक्सिस, ठीक है। मैंने कहा इन्फ्लेमेशन कैन बी स्वेयर फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एनाफिलैक्सिस, एग्जांपल्स आपने एनाफिलैक्सिस हमने डिस्कस कर लिया। मैंने कहा फिलहाल याद रखो दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी, ठीक है। दूसरे मैंने कहा फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस एग्जांपल है कि ऐसी इन्फ्लेमेशन की जो आपके लिए डेंजरस है, ठीक है। अच्छा जी, डिफेंसिव नहीं है। अब आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में आपके सिर में क्या आता है, क्या होता है, सुना ना कितना कॉमन वर्ड सुना, आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन कहाँ होगी, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन आपके पास होगी, ठीक है। अब आर्थराइटिस को आप कैसे कैसे डिफाइन करोगे, बेसिकली बच्चों आर्थराइटिस आपके पास एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है कि मेरे इम्यून सिस्टम ने मेरे हेल्दी सेल्स को ही किल करना शुरू कर दिया, इस नतीजे में आर्थराइटिस हो गया। ऑटो इम्यून डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ये आपके पास, आपके इम्यून सिस्टम ने आपके हेल्दी सेल्स को अटैक करना शुरू कर दिया, आपके जॉइंट्स को अटैक किया, जॉइंट्स में पेन होगी, जॉइंट्स में स्वेलिंग होगी, तो अल्टीमेट से बात है टाइर्डनेस होगी, लेथार्जी, एनर्जी लेवल डाउन होगा, आपका फीवर होने के चांसेस हैं, तो भाई दिस इज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फिर दूसरी जी मैंने टर्म इधर आगे इस्तेमाल की एथेरोस्क्लेरोसिस, अगेन हार्ट पड़े ना आप लोगों ने, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या है वेसल्स में कोई प्लेक की डेवलपमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके हार्ट की तरफ ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। वे मैंने कह दिया देयर इज द बिल्डअप ऑफ द प्लेक इन द इनर लाइनिंग ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज में प्लेक की डेवलपमेंट हो जाएगी। अब आपने प्लेक पढ़ा है, प्लेक की कंपोजिशन है, जनरल में इसकी सिर्फ कंपोजिशन डिस्कस करूंगी कि प्लेक बना कैसे है भाई। अब प्लेक कैसे बना है, दिस इज कंपोज ऑफ द फैटी सब्सटेंसेस, चिकनाई खाने से हो गया, दिस इज कम्पोज ऑफ द फैटी सब्सटेंसेस, दिस इज कम्पोज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, दिस इज मेड अप ऑफ द सेल्स के जो वेस्ट मटीरियल है, ठीक है, सेल्स का वेस्ट मटीरियल इसके अंदर एक्युमुलेटेड होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम आगे जाके भी बार बार डिस्कस करेंगे, इसके अंदर कैल्शियम होगा, इसके अंदर जो एक और चीज होगी दैट विल बी फिब्रिन, फिब्रिन आपके पास वो कहते हैं फिब्रिन ने क्या किया इन सारी चीज़ों को जकड़ के रख लिया, तो प्लेक बन गया। अब प्लेक बन गया था आपके हार्ट की तरफ ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होगी, नहीं होगी, दिस इज एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये अपनी स्लाइड के अंदर देखो मैंने वर्ड यूज किया था एडहेशन बैंड, फाइब्रस बैंड, बेसिकली फाइब्रस बैंड रिप्रेजेंट क्या करते हैं आपके स्कार टिश्यू को, स्कार होता है ना जख्मी चोट लगे हुए। अब देखो बाज दफा क्या होता है, मुझे यहाँ फॉर एग्जाम्पल नेल लगा, टीप लग गया, अब इसमें क्या होगा कि बजाय इससे कि मेरी स्किन का कलर इसके साथ मैच कर जाए, मेरी स्किन रिपेयर हो जाए, ठीक है, सेम स्किन ऊपर आ जाए, बाजा का ऐसा नहीं होता, निशान लगते व्हाइट कलर की लाइन बन जाती है, उधर जाके बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू उधर आके डिपॉजिट हो गया। क्या हुआ कि मेरी बॉडी ने रिपेयर करने की कोशिश की पर प्रॉपरली रिपेयर हुई नहीं, इधर आपके पास आके कनेक्टिव टिश्यू उधर आके एक्युमुलेट करके बेसिकली दिस इज द स्कार, ठीक है। अब ये यही आपके पास ये जो बैंड्स हैं, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द स्कार, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्कार्ड टिश्यू। अच्छा, स्कार टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है जो, अब मैं एब्डोमिनल एरिया की बात कर रही हूं तो जरा एब्डोमिनल में दैट कैन बी बिटवीन द ऑर्गन्स, ठीक है, दैट कैन बी इन द एब्डोमिनल वॉल। देखो इधर आपको बैंड्स नजर आ रहे हैं, अब ये बैंड्स बने हुए आप भाई इंसान की सर्जरी से, दूसरा सर्जरी हुई इसकी बॉडी ने रिपेयर करने की कोशिश की तो भी अब प्रॉपर्टी ही हुई तो बारह की भी रिपेयर तो हो गया ना, रिपेयर किस वजह से हुआ, इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ, तो वहाँ पे क्या क्या बन गया आपके एडहेसिव बैंड्स बन गए, ओके। अच्छा, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, ऐसे ही है ना, ओके। अब जी मैंने अगर अभी तक कंक्लूड कर ली इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन, इन्फ्लेमेशन के दो प्रोसेसेस जिसमें ब्रेन इन्फ्लेमेशन आता है जिसके अंदर रिपेयर या हीलिंग आती है, उसके बाद जो मैंने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन।